हाँ तो दोस्तों, हमने थाली हाउस का प्रीमियम राजस्थानी थाली मंगाई है जो कि इतनी बड़ी है। हाँ तो दोस्तों, ये है इनकी मावा बाटी और ये क्या लग रही है खाने में, एक नंबर। हाँ तो दोस्तों, ये तीनों के तीनों चूरमा भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों, भीड़ चेक कर सकते हो थाली हाउस में कितनी भीड़ आई। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में आए हुए हम सिंधी कैंप में। यहाँ पे हम स्पेशली खाने आए हुए हैं स्पेशली राजस्थानी थाली। हम आए हुए हैं थाली हाउस में, जहाँ पे मिलती है दो तरह की डिफरेंट होटल सीएम रेजेंसी थाली हाउस। यहाँ पे मिलती है दो तरह की थालियाँ, एक तो मिलती है स्पेशल थाली और दूसरी मिलती है राजस्थानी थाली। तो अंदर जाके चेक करते हैं कौन कौन सी थाली है। तो चलो, कैसे हो? बढ़िया। गोल्ड कोई प्लेन लस्सी, एक छाछ, एक देसी। एक देसी, देसी क्या है? राजस्थानी थाली को बोलते हैं सर। अच्छा, राजस्थानी को देसी बोलते हैं। जल्दी, कितने साल हो गए आप? हो गए सर 2004 से चालू किए। 2004 से 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। चाय बना रहे हो? कड़क कड़क चाय। अच्छा, बन गई है। ये अंकल क्या क्या रखे हुए हैं यहाँ पे? गुलाब जामुन दिखाना है वो। गुलाब जामुन और ये सब गुलाब जामुन है, बड़े बड़े पीस हैं। और क्या क्या बनाते हो आप? ये रबड़ी है, वो अंडा रखी हुई है, रबड़ी है। और मैं फिलहाल दोई या फिर चूरमा। चूरमा? अच्छा, रबड़ी चूरमा है। रबड़ी चूरमा, रबड़ी चूरमा, गुलाब जामुन फेमस है, फेवरेट है। तो दोस्तों देखो, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, अपनी थालियाँ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है वेटिंग एरिया यहाँ का। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे भी बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऊपर भी बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं, देखो आगे भी है। चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बैठ के आराम से सिटिंग एरिया है खाने की। बस बढ़िया। क्या फेमस है यहाँ की? दाल बाटी चूरमा फेमस है। और कौन कौन सी थाली है आपने? एक पीपीएम राजस्थान थाली है सर, दिखा देता हूँ आपको। मिले एक स्पेशल राजस्थान थाली होगी सर, दाल बाटी। और एक और है पीपीएम राजस्थान थाली, और एक ये पंजाबी थाली। अच्छा, कौन कौन सी थाली आ रही है? ट्रेडिशनल है सर, ये पंजाबी थाली। अच्छा, ये पंजाबी है, ये ट्रेडिशनल है। हाँ तो दोस्तों, भीड़ देख के अंदाज़ा लगा लो यहाँ के खाने का कि कितना टेस्टी होगा। मैडमों ने यहाँ पे ट्राई करी है थाली है, इनसे पूछते हैं कैसी लगी। कौन सी थाली ट्राई करी थी आपने? अच्छा, नॉर्मली आपने राजस्थानी खाना खाया था, बढ़िया लगा है। चलो बढ़िया। क्या क्या सर लेंगे आप? हमारी स्पेशलिटी तो वैसे अपने पास दाल बाटी चूरमा ये जो आती है, 215 की थाली है, इसमें आपको ये सब मिलेगा। गट्टा कड़ी, मिर्ची के टिकोरे, लहसुन की चटनी, दो टाइप की बाटी आएगी, दो मसाला, दो सादा, दो टाइप का चूरमा आएगा आपके पास, बेसन का और गुलाब का चूरमा आएगा, और गुलाब जामुन आएगा, पापड़ आएगा। पापड़ इतनी हमारी स्पेशलिटी वाली थाली है। बाकी अगर आपको अलग चाहिए, कोई नॉर्थ इंडियन में चाहिए, तो ये आपको नॉर्थ इंडियन थाली मिल जाएगी। इसमें लच्छा पराठा है, बटर नान है, पुलाव है, एक सीजनल वेज है, एक पनीर की सब्जी, एक सलाद है, गुलाब जामुन आएगा। ऊपर नीचे सिटिंग एरिया है अपने, ऊपर नीचे। ऊपर अपने पास ए सी हॉल है, वहाँ से अगर आप जाकर आए। हाँ, जाके आगे मैं और ये नीचे अपना एरिया है, बेसिक्स है। ऊपर नीचे में कोई रेट का फर्क नहीं है, दोनों बराबर ही है, दोनों रेटें बराबर है। हाँ जी, ट्राई करें आप मेरे हिसाब से, ये वाली लो आप राजस्थानी। हाँ जी, चलो ट्राई करते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू। अपन कौन सी खाएं? अपन खाते हैं ये प्रीमियम राजस्थानी थाली। हाँ तो दोस्तों, हम खाएंगे ये थाली, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है स्वाद। हाँ तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे एकदम से थालियाँ नहीं मिलेगी, सबसे पहले आपको आना पड़ता है, वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, उसके बाद में आती है थाली। हाँ तो अंकल जी, लिया है हमारा खाना,
कैसे हो अंकल? अच्छा सर। बढ़िया बढ़िया थाली। हाँ तो दोस्तों, हमने थाली हाउस का प्रीमियम राजस्थानी थाली मंगाई है, जिसमें दाल है, कढ़ी है, गट्टा है, पनीर वेज है, रायता है, सादा बाटी है, मसाला बाटी है, मिश्री रोटी है, तवा रोटी है। खा के बताते कैसी लग रही है हमें। ग्रेवी भी बहुत ही ज़्यादा ठीक है, पनीर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब टेस्ट करके बताते हैं कैसे इसका स्वाद। क्योंकि ये पनीर भी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी क्रीमी है और खाने में बढ़िया लग रहा है। स्पाइसेस भी प्रॉपर फील हो रहे हैं। बहुत बढ़िया सब्जी है पनीर। दोस्तों ये जो इनकी लहसुन की चटनी है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सब ठीक है। लहसुन की चटनी खट्टा थोड़ा स्पाइसी है, बाकी टेस्ट में परफेक्ट है। तो दोस्तों, आप दाल देख सकते हो एकदम ठीक है और जीरे का तड़का अच्छे से लगा रखे हैं। अब तो दोस्तों ये एकदम बाटी आप देख सकते हो पूरा घी में डूबी हुई है। इसको ट्राई करें। इनकी जो सिंपल बाटी जो कड़ी के साथ लग रही है ना, ओए ओए ओए, एक नंबर लग रही है, एकदम ठीक ठीक इनकी कड़ी है। और जो बाटी में जो घी लगा हुआ है ना, उससे एक नंबर टेस्ट बन रहा है। मीठी है मावा बाटी। मावा बाटी हाँ तो दोस्तों, ये है इनकी मावा बाटी और ये क्या लग रही है खाने में, एक नंबर। ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डाल के रखा है। मिठास भी एकदम बढ़िया है, ना कम है ना ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उसकी मिठास है। और खाने में ओए होए होए। हाँ तो दोस्तों, ट्राई करते हैं गुलाब का चूरमा। गुलाब के चूरमे में से गुलाब की खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है। दोस्तों चूरमा भी हमें बढ़िया ही लगे। हाँ तो दोस्तों, ये तीनों के तीनों चूरमा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और खाने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ओए होए होए, केसर रबड़ी। ओए होए होए, सारा खाना एकदम परफेक्ट है इनका। और खासकर जो इनकी पनीर की सब्जी है वो एकदम परफेक्ट और चटपटी है। हाँ तो दोस्तों, ये दोनों सब्जियां पनीर का और गट्टे की एक नंबर लग रही है। इनका ये मावा बाटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और वो रबड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मिश्री रोटी के साथ दाल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एक नंबर खाना। हाँ तो दोस्तों, रायता भी एकदम ठीक है। दोस्तों, इनका जो मसाला रहता बहुत बढ़िया है, इसके अंदर जो जीरे का स्वाद आ रहा है ना, ओए होए होए। ये जो टिपोले हैं और ये जो लहसुन की चटनी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे को ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे थे दिखने में, और स्पेशली मैंने रबड़ी देखी थी तो हमने ये भी ऑर्डर कर दिया है। ट्राई करके बताते हैं कैसे इसका स्वाद। तो दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन गर्मा गर्म ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ओए होए होए, क्या गुलाब जामुन एकदम गर्मा गर्म
और मुंह में जाते एकदम घुल मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एकदम लच्छे वाली रबड़ी है जिसके अंदर पिस्ता भी डाला गया है, इलायची भी डाली गई है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है खाने में। हाँ तो दोस्तों इनकी जो रबड़ी है ना कुल्लड़वाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और एकदम गाढ़ी गाढ़ी है खाने में। इलायची और पिस्ते का जो स्वाद आ रहा है ना होए एक नंबर। क्या क्या एड्रेस बता दो आप। एड्रेस है अपना ये मेट्रो स्टेशन है ना सिंधी कैंप का मेट्रो स्टेशन, उसके जस्ट सामने आना है आपको सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन सिंधी बस स्टैंड के पास। हाँ तो दोस्तों हमने इनकी प्रीमियम राजस्थानी स्पेशल थाली ट्राई की थी जो कि थी 320 की और दोस्तों क्या थाली थी वो एक नंबर थाली थी, मज़े आ गए उसको खा के। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें और बहुत ही ज़्यादा बड़ी थाली थी। तो थाली ट्राई करने के बाद उसके बाद जो गुलाब जामुन और रबड़ी आई ना उसके तो ओए होए होए क्या मज़े ही आ गए खा के। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाइयों को यादों में याद रखो। फिर मिलेंगे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।